ईद का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। मस्जिदों में नमाज पढ़ने नमाजी पहुंचे, देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी और बड़ी ईदगाह पर नमाजियों ने ईद उल जुहा की नमाज की अदा एक दूसरे को गले लगाकर बधाई भी दी। मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजी और देश में अमन चैन की दुआएं भी मांग रहे हैं। बड़ी ईदगाह पर नमाजियों ने ईद उल अजहा की नमाज की अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अब्दुल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे मकराना से। जी अब्दुल, बताएं आज ईद का ये पर्व मनाया जा रहा है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं इसे? आज पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सद्भावना और मकराना शहर में हिंदू मुस्लिम की एक एकता का मिसाल है। यहाँ पे भाईचारे की मिसाल थे और ईदगाह के अंदर, बड़ी ईदगाह के अंदर, हर मस्जिदों के अंदर देश के लिए अमन और चैन, हिंदू मुस्लिम एकता की एक दुआ मांगी है और यहाँ भाईचारा बना रहे और हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से रहे, देश उन्नति करे, तरक्की करे। जी अब्दुल, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई है आज? प्रशासन की तरफ से पूरे प्रशासन मुस्तैद थी, बहुत इंतजाम बढ़िया किया हुआ था। पूरे मस्जिदों के बाहर प्रशासन लगे हुए थे और सभी से प्रशासन के लिए भी जो दुआएं खैर की गई। जी अब्दुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे फोन लाइन पे अब्दुल, जिन्होंने बताया कि आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है और किस तरह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है।